अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा क्वेश्चन ये है कि दाढ़ी रखने की क्या अहमियत है, फ्रेंच कट और मुख्तलिफ अकसाम की दाढ़ियों के बारे में हमारी जमात का क्या मौकफ है? जहाँ तक दाढ़ी रखने का ताल्लुक है, रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है और ऐसी सुन्नत है जिसकी आपने ताकीद भी फरमाई कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें तराशो, तो ये तो सुन्नत पे अमल होना चाहिए। मगर अगर नहीं कर सकता कोई तो गुनाह नहीं है ये ऐसा जिसमें सजा का की वईद हो, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में दोनों किस्म की सुन्नतें होती हैं। एक तो ऐसी है जिसमें अगर नहीं करोगे तो उसका अजाब या उसका गुनाह होगा, और एक है जो नसीहत के तौर पर है, और उसमें से दाढ़ी भी नसीहत वाली है, लेकिन काफ़ी नसीहत की तरह अच्छी स्ट्रॉन्ग नसीहत है इसमें। तो फ्रेंच कट जो रखा करते थे छोटे होते हैं, हम भी फ्रेंच कट रखा करते थे, मगर वो उम्र के साथ साथ फिर बढ़ जाती है। अगर नीयत ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया हुआ है इसलिए मैं दाढ़ी रखूँ, चाहे थोड़ी रख लूँ, तो फिर आस्ते आस्ते फैल जाती है। तो इस नीयत के साथ अगर आप भी दाढ़ी रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात। आपने रखी हुई है कोई? इसीलिए क्वेश्चन किया। हाँ, मैंने इसीलिए जवाब दिया। हज़ूर एक क्वेश्चन ये है कि एक नक्शबंदी पीर ने दौरान तबलीग, क्वेश्चन को सवाल क्यों नहीं कहते हैं? क्वेश्चन को सवाल कहा करते हैं। एक सवाल ये है, कहें एक सवाल ये है कि एक नक्शबंदी पीर ने दौरान तबलीग ये सवाल किया था कि खुदा ताला मुसलमान है या काफर, खुदा ताला का कौल और फेल क्या है, और इस बात पर उसने मतलब बहस खत्म कर दी थी कि पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये क्या जवाब सवाल हुआ, मुझे समझ नहीं आई। क्वेश्चन ये था कि खुदा ताला का कौल क्वेश्चन ये था कि सवाल ये था सवाल ये था कि खुदा ताला का कौल और फेल क्या है, कौल और फेल, हाँ जी, और खुदा ताला मुसलमान है या काफर है। और उसने इस बात पे बहस खत्म कर दी थी। बस पागलों का सवाल है, मैं नहीं जवाब देता, पागल नहीं है जो उसका जवाब दूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ज़हूरे महदीए आखिर ज़मान।